दिल्ली शहर का हाल कुछ ऐसा है कि यमुना नदी का पानी अब तक के ऑल टाइम हाई लेवल्स को भी क्रॉस करने वाला है। बीते 40 सालों में दिल्ली को इस जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश का सामना करना पड़ रहा है। कितने फैमिलीज को रातों रात मूव किया जा रहा है। दिल्ली के साथ साथ हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई एरियाज में फ्लड्स आ रहे हैं। हर साल बारिश आते ही भारत में कोई ना कोई शहर या गांव में फ्लड्स आ ही जाता है। 2003 में चेन्नई, 2005 मुंबई, 2020 में हैदराबाद, 2022 में बेंगलुरु, इससे भारत में काफी जान माल का नुकसान होता रहा है। भारत का सबसे बड़ा रिकरिंग मैन मेड डिजास्टर, जिससे भारत की इकोनॉमी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। मौसम विभाग का कहना है कि फ्यूचर में बारिश की सीमा और अनियमित होगी। महीने के कुछ ही दिन बारिश होगी और जब बारिश होगी तब बहुत ज्यादा बारिश होगी। मुंबई 2005 में जैसे बारिश हुई थी वैसे इंसिडेंसेस बढ़ने के चांसेस है, ये सच्चाई है। अगर हमें फ्लड्स के इस प्रॉब्लम को लॉन्ग टर्म के लिए सुलझाना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्लडिंग इज नेचुरल फ्लड्स। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ सदियों से फ्लड होती आई है। भारत को डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन ये सारे डेवलपमेंट अगर सही प्लानिंग के साथ होगी तो ही सस्टेनेबल होगी। जैसे कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से नाले या नदी के किनारे पर स्लम्स बनता है और वो कचरा वहीं पर डंप करते हैं। कचरे से क्लॉगिंग और पोल्यूशन होता है। मुंबई के मीठी नदी के बैंक्स पर स्लम्स बने हुए हैं और यह स्लम्स अपना सारा कचरा नदी में फेंक देते हैं। एज अ रिजल्ट नदी चोक हो जाती है और बारिश के समय इसी कचरे की वजह से नदी का लेवल बढ़ जाता है और लोगों के घरों में पानी आ जाता है। वैसे तो फ्लड मैनेजमेंट की बात आती है तब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स की होती है। फ्लड रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, फ्लड्स का इम्पैक्ट कम करना और इसे फंड करना स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इन बातों पर फोकस बिल्कुल नहीं है। इसका पहला सोल्यूशन रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। भारत में कुछ महीनों में बहुत ज्यादा बारिश होती है, फ्लड्स होते हैं, लेकिन बाकी के समय पीने के लिए भी पानी नहीं होता। इसके सोल्यूशन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाए जाते हैं, जिसमें ग्राउंड में खुदाई करके एक पाइप लगाया जाता है जिससे पानी जमीन के अंदर चला जाए और यही पानी हम बाद में यूज कर सकते हैं। इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है और पानी रोड पर भी नहीं आता। दूसरा सोल्यूशन है रेन गार्डन्स। हर एरिया में ऐसे छोटे छोटे गार्डन्स बनाया जाना चाहिए जो पानी को सोख लेता है। ये गार्डन्स रेगुलर रोड लेवल से थोड़े लो लेवल पर बनते हैं ताकि पानी उसमें फ्लो हो सके और यह पानी फिल्टर होकर ग्राउंड वाटर बन जाए। इससे पानी रोड पर नहीं ग्राउंड वाटर बन के साल भर हमें बेनिफिट्स देता रहेगा। इन्हें कहीं पर भी बनाया जा सकता है, जैसे फायरवर्क्स के नीचे, बिल्डिंग के पास, कहीं पर भी जहां पर पानी डाइवर्ट हो सके। ग्रीन रूफ, ग्रीन गार्डन, रेन वाटर हाउसिंग, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अफोर्डेबल हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।